एवरीवन, वेलकम टू मेंटोमीटर बाय कल्पना सिंह। एंड टुडे इज अंबेडकर जयंती या फिर डॉक्टर बी आर अंबेडकर का बर्थडे है। सो विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू द भारत रत्न डॉक्टर बी आर अंबेडकर। ही इज द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स दिए थे प्रीएम्बल को लेकर, फंडामेंटल राइट्स को लेकर। तो प्रीएम्बल को उन्होंने बोला था हर्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड अबाउट फंडामेंटल राइट्स, ये आप बोल सकते हो कि सैक्रोसेंट है और इनका आप, क्योंकि विदाउट फंडामेंटल राइट्स यू आर एक्चुअली नॉट लिविंग अ गुड लाइफ। क्योंकि राइट टू क्वालिटी, राइट टू फ्रीडम एंड राइट टू प्रोफेस द रिलीजन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू एजुकेशन, राइट टू रिलीजन, ये सारे जो राइट्स हैं आपको एक सशक्त नागरिक बनने के लिए हेल्प करते हैं। और इन्हीं के अलावा जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी प्रोविजन दिए गए हैं वो आपके जो लीगल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, आपको कोई भी अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है उसके लिए आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं आर्टिकल 32 के अंडर, जो कि सुप्रीम कोर्ट में आप डायरेक्टली जा सकते हो अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ही इज़ नॉट द लीडर ऑफ दलित्स बट ही इज़ द लीडर ऑफ द नेशन एंड वी शुड रिमेंबर हिम, क्योंकि उन्होंने जो कॉन्ट्रीब्यूशन दिए, ही नोज मल्टीपल लैंग्वेजेस, ही हैज़ 2 डॉक्टरेट डिग्रीज एंड इकोनॉमिक्स में ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु हैज़ डन द डॉक्टरेट इन इकोनॉमिक्स और वो भी अब्रॉड से, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन। एंड महात्मा गांधी सेड अबाउट हिम कि जो फंडामेंटल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए जो नेहरू से गांधी जी ने बोला था कि अगर आपको एक सही बंदा चाहिए तो आप डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के पास जाइए, ही इज द मोस्ट एलिजिबल एंड द मोस्ट क्वालिफाइड पर्सन फॉर मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। सो वी शुड रिमेंबर हिम, वी शुड से थैंक्स टू हिम, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की हैं। और उसके अलावा आपने देखा होगा अनटचेबिलिटी, क्योंकि ये किसी भी फॉर्म में हो सकती है, इट इज़ नॉट अबाउट द अपर कास्ट और लोअर कास्ट बट इट इज़ अबाउट द रिलीजियस थिंग्स, या आप जो किसी भी पर्टिकुलर जैसे मंदिर में नहीं जा सकते थे अनटचेबल्स, या शूद्रास जो थे और अदर जो कम्युनिटीज़ थी। तो ये जो सारी जो रिफॉर्म्स थे ये कॉन्स्टिट्यूशन की बदौलत ही मिले हैं सभी जो भी डाउनटेड इन सेक्शन थे उनको। तो हमें ये चीज़ याद रखनी चाहिए, वी शुड नो अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन मोर, वी शुड नो अबाउट द राइट्स एज वेल। सो अंबेडकर जयंती की आपको बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं एंड थैंक्स टू डॉक्टर बी आर अंबेडकर फॉर गिवन दिस सच ब्यूटिफुल कॉन्स्टिट्यूशन, हु हैज़ गिवन अस राइट टू लिव फ्रीली, टू एक्सप्रेस आर थॉट्स एक्सप्रेशंस, एंड जो भी राइट टू वोट दिया उसके अलावा फीमेल्स के लिए जो अदर राइट्स थे वो दिए गए। तो ये चीज़ें हमें थैंक्स बोलने के लिए आई थिंक ये रीजन्स काफ़ी होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।